आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। पद्मश्री दिलशाद हुसैन धातु कला को देश विदेश में दिलवा रही है पहचान। 75 वर्षीय कलाकार पुश्तैनी कला को परिवार सहित बढ़ा रहे हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकार के द्वारा बनाए गए बर्तन को जर्मनी की चांसलर को किया था भेंट। सूरजकुंड फरीदाबाद में 8 फरवरी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के 75 वर्षीय दिलशाद हुसैन धातु कला को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाने में जुटे हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये कलाकार अपनी पुश्तैनी कला को 3 पीढ़ियों से परिवार सहित आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कलाकार द्वारा बनाया गया धातु का बर्तन जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मनी की चांसलर को भेंट किया था। ये कलाकार भी अपनी कलाकृतियों के साथ 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पहुंचा है, जिन्हें पर्यटक बारीकी से निहारते देखे जा सकते हैं। मुरादाबाद देश भर में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मेला परिसर में स्टॉल संख्या 1224 पर दिलशाद हुसैन ने अपनी धातु की कलाकृतियों को बाखूबी प्रदर्शित किया। इन कलाकृतियों में बर्तन, फ्लावर पॉट, हुक्का आदि शामिल है। इस स्टॉल पर पर्यटक 50 रुपये से 20,000 रुपये तक की सुंदर धातु की कलाकृतियों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिलशाद के 5 पुत्र रिहान, फैजल, नौशाद, अनस व साकेत भी अपने पिता के साथ अपनी पुश्तैनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। दिलशाद हुसैन को धातु शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। स्टॉल 1021 पर ओडिशा के शिल्पकार के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं सच्चे मोती। मेला परिसर में ओडिशा के बालासोर के शिल्पकार साहू परिवार के द्वारा सच्चे मोती का स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल पर महिलाओं के आभूषण प्रदर्शित किए गए। ये परिवार भी अपनी पुश्तैनी कला को खेती के कार्य के साथ साथ आगे बढ़ा रहा है। अजय साहू के नेतृत्व में परिवार के अन्य सदस्यगण मेले में पहुंचे। इसके अलावा ये परिवार दिल्ली हॉट में भी इन आभूषणों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।